देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।